अर्चना जी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, अर्चना जी ने मुझे 2 परांठे खिलाए। मतलब वही मैं ये बोल रहा हूँ कि सब पॉजिटिव एनर्जी के साथ थे। मंडली में भी अब थोड़ा बंटवारा हो चुका है, देखा जाए तो स्टैन अब्दू एंड शिव का थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव होता है, निमरित जी का अलग पर्सपेक्टिव होता है, एंड साजिद सर का थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव होता है। जो मुझे लगता है कि जो सही में डिजर्विंग कैंडिडेट है, मैंने उन्हीं का नाम दिया। मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं था कि कौन मंडली से है, कौन कहाँ से है। हाय जी योगेश, वेलकम टू कोई मोई। हेलो। हेलो। हम आज के एपिसोड, जो आज शाम का एपिसोड है, अब ये एपिसोड में प्रियंका से मिलने जा रहे हो घर के अंदर, बिग बॉस 16 के घर के अंदर। तो कैसा लगा? आई मीन, आप ऑलरेडी वापस आ चुके हो, तो कैसा लगा प्रियंका को 3 महीने बाद आमने सामने देखे, टीवी पे नहीं? मैं बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग में बहुत एक्साइटेड था। एक तो मैं प्रियंका जी से मिलने वाला हूँ और दूसरा बिग बॉस हाउस में जाने वाला हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा था, बस मैं अपनी फीलिंग्स उधर ज्यादा दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं थोड़ा सा इमोशनल वगैरह हो जाऊं कैमरा पे। मैं वो नहीं चाहता था, और प्रियंका जी भी थोड़ा इमोशनल हो जाती, पर मैंने वो फ्रीज थी, मैंने उनको बोला नहीं रोना नहीं रोना नहीं। और इतना फिर मैं दूसरे कंटेस्टेंट से मिलना स्टार्ट किया, फिर बिग बॉस ने उन्हें रिलीज करा प्रियंका जी को, फिर हमने हक किया, पर वो थोड़ा इमोशनल नहीं हुई क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था। आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड किससे मिलके हुए थे, बिसाइड्स प्रियंका ऑब्वियसली, किससे मिलके आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे? मैं स्टैन से मिलके एक्साइटेड था क्योंकि मुझे प्रियंका जी के पास स्टैन पसंद है, क्योंकि वो अपना ओके। रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो मेरे को अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं। आपका व्यूज क्या है प्रियंका के गेम के बारे में एट द मोमेंट, कि वो कैसा खेल रही है? आई मीन, 3 महीने हो चुके हैं, तो क्या है, उसको कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कि यू आर वेरी प्राउड ऑफ एट द मोमेंट? प्राउड तो मुझे बहुत ज्यादा है, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकता, पूरी फैमिली को इतना प्राउड है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक फौजी फैमिली से आने वाली एक बच्ची मतलब इतना इतने ऊपर लेवल तक जा सकती है। और जो विनर वाली जो बात बोल रहे हैं आप, विनर, मुझे लगता है विनर क्वालिटीज उसमें सारी हैं, तो मुझे लगता है विनर तो वो डेफिनेटली बनेंगी। वाओ, वो एक्चुअली वो मोटिवेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड आई गेस आपने उसको ये भी बताया एज सून एज यू एंटर टू द हाउस। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अंकित गुप्ता के घर से निकलने के बाद, क्या आपको लगता है कि प्रियंका का गेम ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, कि उसको इमोशनली वो थोड़ी वीक हो चुकी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को अपन सिर्फ एक नजरिए से नहीं देख सकते, इस के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों है। जब अंकित जी थे घर के अंदर, तब अंकित जी घर के अंदर से सपोर्ट करते थे, आज अंकित जी बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जब अंकित जी घर के अंदर थे तब उनको मतलब उनको सपोर्ट करते थे, और उनके साथ एक बंदा था अनकंडीशनल वे में उनको सपोर्ट करने के लिए। और नेगेटिव साइड इसका ये था कि उन दोनों को बहुत ज्यादा टारगेट करा जाता था, जैसे पूरा घर मिल जाता था कि अब दूल्हे को बाहर निकालेंगे, तो वो थोड़ा नेगेटिव साइड था। पर मुझे लगता है कि इस चीज के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं, तो इसको एक तराजू पे नहीं देख सकते अपन। जब आप टारगेटिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो हम लोग ने पिछले कुछ हफ्ते से देखा है कि वो, कि प्रियंका ज्यादा टारगेट हो रही है, नॉट जस्ट बाय द कंटेस्टेंट्स, लेकिन बिग बॉस भी उसको टारगेट कर रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है अब इक्वेशंस थोड़ी चेंज हो रही हैं, जहां पहले ज्यादा टारगेट होता था, अब टारगेट नहीं हो रहे क्योंकि टारगेट के लिए नए नए मुद्दे बनाने वाली मुद्दा क्वीन अच्छा आ रही है। वो सबको परेशान करके रखते हैं, मेरे ख्याल से अब वो ज्यादा टारगेट इसलिए हो रही है। और प्रियंका जी बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट थी, इसलिए वो ज्यादा टारगेट होती थी। तो मुझे लगता है कि अब उन सबको समझ आ गया है कि इसको टारगेट करके कोई फायदा नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाली, तो जो अभी जा सकता है पहले उसको निकालते हैं, तो वो अर्चना को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया अब सारे। वो भी है, पॉइंट है, लेकिन मैं इन स्पेसिफिक एक रीसेंट टास्क के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो रिसेंटली वो राशन टास्क हुआ था, जहाँ पे द कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड, इवेक्शन के लिए जो नॉमिनेटेड थे, उनको चांस दिया गया था कि किसी और का नाम का बॉक्स डाल दो, एंड अपने और राशन को सेव करने के लिए। लेकिन वो टाइम पे शाली ने टीना का नाम नहीं डाला, ना ही टीना ने शालीन का नाम डाला, तो उस वजह से पूरा घर अपना राशन खो चुके थे। जी उसके तुरंत बाद बिग बॉस ने उसको कन्फेशन रूम में बुला के बोला कि आप जाके शालीन से बात कर लो एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक कि ये मेन उसको टारगेट किया गया था, क्योंकि प्रियंका का कुछ लेना देना नहीं था कि वो रूम में क्या हो रहा था, टू थ्रो द बॉक्सेस, क्योंकि वो उसमें नहीं थी। डू यू थिंक उसको टारगेट किया गया था टू गो एंड टॉक टू शालीन?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें टारगेट किया गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टास्क में गलती तो तीनों की थी, टीना जी की भी गलती थी, शालीन की गलती थी एंड अर्चना जी की भी गलती थी। पर देखा जाए तो शालीन की मुझे गलती थोड़ी सी ज्यादा लगती है, क्योंकि उन्होंने क्या करा कि वो बार बार ऐसे बोल रहे थे अर्चना कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, राशन चल जाएगा। मुझे लग रहा था वो अर्चना जी की साइकोलॉजी से थोड़ा खेलने का सोच रहे थे, पर वो मतलब उन्हें पता नहीं था शायद कि अर्चना जी थोड़ी मेंटली स्ट्रांग है इस चीज को लेके, वो नहीं छोड़ दबा। और टीना जी को जैसे उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, ये इनका मुद्दा है, जब प्रियंका जी बोल रही थी अगर ऐसा दिखे तुम्हें तो तुम में से दोनों में से कोई एक रख देना, क्योंकि राशन बहुत इंपॉर्टेंट है घर का। पर उस टाइम शालिन जी ने बोला नहीं, ये इनका मुद्दा है, वो ये देख लेंगी। तो शालिन जी ने ना टीना जी को डालने दिया, ना उन्होंने खुद ने डाला, और वो जो गेम खेलना चाह रहे थे वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और जब तक वो डिसीजन लेते तब तक बहुत लेट हो गया था। तो इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि प्रियंका जी सही थी, और वो बात बिग बॉस अगर उनको ये बात नहीं बताते तो भी वो जाके शालिन जी को बोलती ये बात। नहीं, मेरा ये है कि अगर वो नॉर्मली बोलती शालीन को तो वो ठीक था, क्योंकि वो हाउसमेट्स का इक्वेशन था, लेकिन बिग बॉस का उसको पॉइंट आउट करना कि जाके शालीन से बात कर लो, डू यू थिंक ये गलत था? नहीं, मुझे नहीं लगता ये गलत था। बिग बॉस को भी मन में कहीं रहा होगा कि मेरे को सबका राशन छीनना पड़ रहा है, बिग बॉस को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बिग बॉस सबको बहुत प्यार करते हैं। तो बिग बॉस ने सोचा कि अब किसी को तो मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा। और बिग बॉस को जो मेन रीजन जैसे मुझे दिखा कि शालिन जी सबसे बड़े मेन रीजन थे, तीन गलती तीनों की थी, क्योंकि तीनों में कोई डिसीजन ले सकता था, पर मेन डिसीजन मुझे लगता था शालिन जी का था। तो अगर शालिन जी टाइम पे डिसीजन ले लेते तो सब चीज सॉर्ट आउट हो सकती थी। और जो बिग बॉस का गुस्सा था, तो बिग बॉस ने मुझे लगता है कि वो प्रियंका जी को वो टास्क दिया कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। आप एक दिन रह चुके हो बिग बॉस के घर के अंदर, आपको कैसे लगा वहां रहकर? कि आपको राशन से कोई प्रॉब्लम था, कि राशन कम है, वहां पे चिकन चिकन चल रहा था, कि कैसा था वो? मुझे तो राशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हम तो वीआईपीज थे तो, और जो बिग बॉस की हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। फरा मैम अपने साथ खाना लेके आई थी, बाकी सब कंटेस्टेंट थे वो भी बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव वाइब के साथ। अर्चना जी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, अर्चना जी ने मुझे 2 पराठे खिलाए। मतलब वही मैं ये बोल रहा हूँ कि सब पॉजिटिव एनर्जी के साथ थे, और राशन से ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अर्चना जी ने मुझे 2 पराठे खिलाए, और अर्चना जी बाकी कंटेस्टेंट के साथ मुद्दे ढूंढती होंगी, पर मुझे लगता है कि वो घर वालों के साथ हर कोई पॉजिटिव वाइब के साथ मिल रहा था। वो अच्छा लगा सुन के। अगर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि सबसे ज्यादा खतरा प्रियंका को घर में किससे है, तो वो कौन है और क्यों? मुझे लगता है खतरा किसी से नहीं है, पर मैं चाहूंगा अगर वो किसी को अवॉइड करे तो वो अर्चना जी है, क्योंकि वो थोड़ा गलत भी बोल जाती हैं, और उनके गलत चीजों का जवाब देना हर बार जरूरी नहीं होता। तो जैसे उन्होंने पहले भी एक बार करा था कि वो स्माइल देके उनको बोल रही थी कि ठीक है तू करती रह, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी इन फालतू बातों से, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अर्चना जी को। ये प्रियंका से ये हफ्ते मिलके आपको कुछ लगा कि प्रियंका में कुछ सुधारे आ चुके हैं, कि वो चेंज हो चुकी या कुछ वैसे? क्योंकि उसने रिसेंटली भी बोला था कि शायद घर में रह के उसका इमेज, उसके जो बिहेवियर है, जो हैबिट्स है, वो थोड़ा चेंज हो चुका है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका थोड़ी चेंज हो चुकी है 3 महीने में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये चेंज हुआ है उनमें कुछ। बाकी सलमान सर ने उन्हें बहुत कुछ समझाया भी। अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कुछ चेंज नहीं हुआ, अगर वो बाहर आएंगे तब मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि आप में क्या चेंज आया, आपने क्या बिग बॉस हाउस में 3 महीने सीखा। तो ये चीज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कि मैं भी खुद नहीं जानता ये बात। आपको कौन लगता है कि कौन जीत सकता है बिग बॉस 16 का टाइटल प्रियंका के अलावा? अगर प्रियंका नहीं जीती तो कौन, किस किस को सपोर्ट करोगे आप? मुझे लगता है प्रियंका जी के अलावा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो हैं शिव है, स्टैन है एंड अब्दू, मुझे स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और क्यों? आई मीन, इज इट बिकॉज द गेम्स की उनके फैन सपोर्ट, किस वजह से आपको लगता है कि ये 3 स्ट्रॉन्ग है? मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि जो शिव की पर्सनालिटी है वो बहुत आउटस्पोकन है, वो मतलब बोल देते हैं हर चीज को, और ये शो ही है हर चीज को बोलना पड़ता है आपको। और जो स्टैन की पर्सनालिटी है, स्टैन बहुत रियल है, जो उनका रियल साइड है, और मेरे ख्याल से वो बहुत लोगों को पसंद भी आता है, इंस्पायर भी करता है। और अब्दू का, कि अब्दू प्योर हार्टेड है एकदम, मतलब अपने हार्ट से खेलते हैं, इसलिए वो मेरे को लगता है वो पूरे इंडिया को बहुत पसंद है वो अब्दू। तो मुझे लगता है कि ये 3 प्रियंका जी के अलावा दावेदार हैं। आपको मालूम है ये तीनों नाम जो आपने लिए है, तीनों मंडली के नाम है, जी, मुझे
तो मंडली में स्ट्रेंथ है आपके हिसाब से? मंडली में भी अब थोड़ा बंटवारा हो चुका है, देखा जाए तो स्टैन अब्दू एंड शिव का थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव होता है, निमरित जी का अलग पर्सपेक्टिव होता है, एंड साजिद सर का थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव होता है। और जैसा इक्वेशंस दिखते हैं कि मतलब थोड़े थोड़े इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं सब में, स्टैन शिव एंड अब्दू अपने इंगली से ज्यादा बातें भी करते हैं, उनका थोड़ा बॉन्ड भी अच्छा हो रहा है, पर निमरित जी के साथ उनका बॉन्ड वैसा ही है अभी भी, तो इसीलिए डिफरेंसेस आ रहे हैं क्योंकि हर कोई चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सब में इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, पर निमरित जी के साथ कोई इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ठीक मैंने है नाम योगेश, भी प्रेफर करे, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो सही में डिजर्विंग कैंडिडेट है मैंने उन्हीं का नाम दिया, मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं था कि कौन मंडली से है कौन कहाँ से है। योगेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली हम आपसे फिर से मिलेंगे और वो टाइम पे प्रियंका आपके साथ होगी विद द विनर्स ट्रॉफी। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।